हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको फाइनेंस मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके मैंने दो पार्ट में इसको बताया है, तो पार्ट वन के लिए आप आई बटन जो दिया हुआ उसको प्रेस कीजिए, इसका पार्ट वन जरूर देखिए। उसके बाद ये मैं पार्ट टू बता रहा हूँ। पार्ट टू के अंदर आपको फाइनेंस मॉडल्स कैसे निकाला जाता है और उसकी डिजाइन मिक्स में कैसे यूज आता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, इसको कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ। टेबल में अपन सबसे पहले देखिए आईएससी, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी अपन ग्रेडेशन करते हैं, सीयू एनालिसिस करते हैं या फाइनेंस मॉडल्स निकालेंगे तो अपन को सीयू का सेट रेडी करना होता है। तो आईएससीयू का जैसे सेट हो गया 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 480, 240, 120, 600 माइक्रोन, 300, 150 माइक्रोन, ये पूरा एक सेट रेडी कर दिया, ठीक है। वेट रिटेंड, मतलब कितना उस सीयू के ऊपर वो पार्टिकल्स बसते हैं या एग्रीगेट बसते हैं वो यहाँ पे केजी में आएगा। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव रिटेन, मतलब एक सीयू में सपोज 2 kg रिटेन हुआ, सेकंड सीयू में 1 kg हुआ तो 2 + 1 = 3 kg, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्यूमुलेटिव जो है वो एग्रीगेट है वो रिटेन कितना वो केजी में यहाँ आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज आएगा उसका, उसका परसेंटेज सपोज 3 kg रिटेन हुआ उस पर और टोटल केल कितना, सपोज अपने एग्रीगेट लिया है 10 kg तो 3/10 × 100 यानी 30% आएगा। तो इस कॉलम में क्या होगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन जो परसेंटेज फॉर्म में ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फाइन एग्रीगेट अगर का करेंगे अपन तो फाइन एग्रीगेट में भी ये 3 कॉलम आएंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि भाई अपने को कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के लिए सी का जैसे सेट ले लिया, अब अपने को एक क्वान्टिटी लेनी पड़ेगी कि कितनी क्वान्टिटी ले और उस हिसाब से इसको कैसे चेक किया जाए। तो सपोज अपन को 20 mm एग्रीगेट के लिए अपने को फाइनेंस मॉडुलस निकालना है, ठीक है, और अपने उसके लिए अपन सपोज 10 kg आपने वेट कर लिया, 10 kg एग्रीगेट ले लिया 20 mm का। अब सबसे पहले उसको सेट है, सीयू का सेट रेडी है, वाइब्रेटर के ऊपर रखा हुआ है, सेट रेडी किया हुआ है, तो आपने उसको पास किया तो 20 mm का है तो नेचुरली बात 80 mm के वाली सीयू के कुछ बचेगा नहीं, वहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, क्यूमुलेटिव कुछ है नहीं। इसी तरह 40 mm पे जो नीचे से पास होगा तो 40 mm से भी पार्टिकल छोटे होंगे इसके 20 mm के, इसलिए उसमें भी कुछ बचेगा नहीं। अब 20 mm की सीयू के ऊपर कुछ बचेगा उस पर, तो वो कितना होगा वो अपन क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। जब उसको सारा एक बार अपन ने कॉम्पैक्ट उसको वाइब्रेट कर दिया फाइन करके, फिर अपन क्या करेंगे, एक एक सीयू के ऊपर जो पार्टिकल बचे हैं उनका अपन वेट करेंगे। तो सबसे पहले 20 mm पे कितना बचा, 2 kg, फॉर एग्जाम्पल आपने तोड़ लिया 20 mm 2 kg बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और क्यूमुलेटिव में 2 आएगा क्योंकि उससे पहले किसके ऊपर बचा ही नहीं तो 2 kg आएगा उसमें। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या हो गया, बचा इसके ऊपर कितना बचा 2 kg, क्यूमुलेटिव की तो 2 kg और उसके टोटल कितना था 10 kg, 2/10 × 100 तो 20% हो गया। इसी तरह से 10 mm के ऊपर सपोज कितना रिटेन रहा, 5 kg, तो यहाँ आ जाएगा 5 kg, और चूंकि 2 kg किस पे रखा था 20 mm पे तो 2 + 5 ये 2 इस पे था, 5 ही हो गया, तो 7 kg हो गया। अब 7 kg का क्यूमुलेटिव क्या हो गया, 7/10 × 100 तो 70% हो गया। सिमिलरली 480 है इसके ऊपर कितना रहा, 1.9 kg, ठीक है, क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 7 + 1.9 = 8.9 तो 8.9/10 × 100 तो 89% हो गया। इसी तरह से 240 पे कितना रहा, 1.1 kg और ये हो गया यहाँ पे 1.1 + 8.9 कितना हो गया, 10 kg, तो 10 kg/10 ही था आपने और 10 kg पूरा आ गया तो 10/10 × 100 तो 100% हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, 2.36 या 240 को सीव है उसके ऊपर जो ये बच गया, तो मतलब इसके ऊपर बाकी के जो नीचे की सीव है उसके ऊपर वो पार्टिकल गए नहीं,
मतलब इससे सारे पार्टिकल बड़े ही हैं। अब अपने क्या किया, अगर उसको उसी 10 kg इसमें बच गया, 10 kg को अगर इससे पास करेंगे तो उसके कुछ पास हो गए नहीं, क्योंकि वो सब उसी पर रिटर्न रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, बाकी सब पे क्या होगा, परसेंटेज 100% ही रहेगा, ठीक है, रिटर्न 100% रहेगा, उसमें से पास हो गए नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल क्या होंगे, इससे बड़े हैं तो इससे पास हो गए नहीं, तो 100% रिटर्न रहेंगे इनके ऊपर। अब क्या करेंगे, इन सब की टोटल करेंगे, 20 से लेकर या अपने लास्ट सी कौन सी 150, इसके ऊपर रिटर्न का 100% रिटर्न है, तो इन सब की टोटल करेंगे वो आ जाएंगे 679। अब इस 679 में अपन 100 का भाग देंगे या 100 से डिवाइड करेंगे 679 को, तो जो पॉइंट आएगा 6.79 आया वो आएगा फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस का क्या डेफिनेस होती है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ऑन सीव, उनकी जो टोटल होती है उसमें डिवाइड 100 करेंगे तब ये फाइनेंस मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई भी, और ये फाइनेंस मॉडुलस जैसे 6.79 है, अब आप 20 mm, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हर 20 mm हर एग्रीगेट के लिए, हर साइज के लिए जो है फाइनेंस मॉडुलस का एक जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है क्राइटेरिया फिक्स है, इसके बीच में अगर होता है तो वो एग्रीगेट एक्सेप्टेड है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जैसे ये 20 mm के लिए अपने को पता है तो 6.79, तो इसकी रेंज क्या थी, वो रेंज जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी, उस रेंज के बीच में आ रहा है तो मतलब ये ओके है फाइनेंस मॉडुलस इसका। तो ये 20 mm का अपन जो भी एग्रीगेट आता है जो अपने साइड पर आया उसकी चेकिंग हो जाएगी और अपने को ओके हो जाएगा कि हाँ ये एग्रीगेट काम करने या यू अपने एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से फाइन एग्रीगेट के लिए भी क्या करेंगे, अपन 1 kg ले लेंगे फाइन एग्रीगेट, ठीक है। अब इसको भी पास करेंगे तो क्योंकि फाइन एग्रीगेट है तो आपको 10 mm और ये 4.75 mm से छोटा होना चाहिए, तो इन पे तो कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, ये तो सब यहाँ पे से निकल जाएगा बाहर। अब बचेगा कितना, अब जैसे ये हो गई सी, ये सेट हो गया इसके लिए, अपन देखते 4.75 से सेट लेते हैं इसका फाइन एग्रीगेट के लिए, तो ये देखिए 4.75 में कोई रिटर्न उस पर रहा नहीं। अब 240 वाले सी पे कितना रहा, 0.12 kg, तो क्यूमुलेटिव में 0.12 kg हो जाएगा, तो 0.12 डिवाइड बाई 1 kg है, डिवाइड 1 × 100, तो 12% हो जाएगा इसका। इसी तरह से 120 पे 0.15 kg रिटर्न रहा है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 0.12 प्लस 0.15, तो 0.27 kg, तो इसका परसेंट निकालेंगे 27% हो गया। सिमिलरली 600 μm पे 0.18 kg, तो 0.18 प्लस 0.27 किया तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 0.45, तो कितना होगा 45%। सिमिलरली 300 पे सपोज बचा 0.29, क्यूमुलेटिव 0.45 और 0.29 को ऐड किया तो 0.74% कितना होगा, 74%। और फाइनली 150 पे 0.26 वगैरह रिटेन है, तो इन दोनों को ऐड करें कितना हो गया 1, और कितनी थी सी ओपन कितनी थी, 1 kg ली थी, तो 1 kg ली और 1 kg इसके ऊपर बच गई है, तो हो गया ये 100। अब हो सकता है इसके अंदर सील कंटेंट हो, इसमें से हो सकता है कुछ परसेंटेज कम हो, तो यहाँ पे ये जरूरी है 1 आएगा, यहाँ पे हो सकता है उसमें से भी पास हो जाए, तो वहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फिर अपने इनकी टोटल करेंगे। टोटल करने पे सपोज इसकी आई 258, अब 258 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो इसका फाइनेंस मॉडुलस क्या आ गया, 2.58। तो जैसे मैंने आपको पिछले टेबल में बताया था कि कोर्स एग्रीगेट में जैसे 20 mm हुआ, 40 mm हुआ, जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनका प्लस फाइन एग्रीगेट का, उनका एक मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है, अगर उसके बीच में अगर फाइनेंस मॉडुलस आता है तो वो जो एग्रीगेट है, चाहे डिजाइन मिक्स के लिए हो या नॉमिनल मिक्स के लिए हो, कहीं के भी वर्क के लिए हो, वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप जाते हैं या आप क्वालिटी चेक के लिए जाते हैं तो वो एग्रीगेट काम आने लायक है या नहीं है, उसके लिए आप फाइनेंस मॉडुलस चेक करेंगे तो वहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो एग्रीगेट आपके यूजफुल है या नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। अब फाइनेंस मॉडुलस आपने निकाला है, अब फाइनेंस मॉडुलस की एक जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक और, वो क्या है, डिजाइन मिक्स में। डिजाइन मिक्स में कैसे है, डिजाइन मिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन मिक्स में जो एग्रीगेट अपन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, बाय वेट, ठीक है। नॉमिनल मिक्स में बाई वॉल्यूम लेते हैं, डिजाइन मिक्स में कैसे लेते हैं, बाई वेट। तो अब इसमें ये अपने को
फाइनेंस मॉडल से ये पता चलेगा कि जो अपने को फाइन एग्रीगेट है वो कितना लेना है और कोर्स एग्रीगेट कितना लेना है, क्योंकि वहां का जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट पर्टिकुलर साइट का कैसा है, तो उसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कोर्स एग्रीगेट कितनी मिलाई जाए, वो भी अपन फाइनेंस मॉडल से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है एक्स इजिकल टू एफ टू माइनस एफ डिवाइड बाई एफ माइनस एफ वन इंटू 100। ये क्या चीज है? देखिए एक्स, ये सपोज अपने माना एक्स, एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो कितनी क्वांटिटी जो है कोर्स एग्रीगेट में मिलाई जाएगी वो इससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना रेशियो रहेगा उसका वो अपन निकाल सकते हैं, वो अपन परसेंटेज में आ जाएगा इसका, कितना परसेंट जो है फाइन एग्रीगेट है कोर्स एग्रीगेट में मिला जाए। एफ टू, एफ टू क्या होगा, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूल वो आएगा एफ टू में। एफ वन क्या हो जाएगा, एफ एम ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और एफ क्या आएगा, डिजाइन फाइनेंस मॉडुलस, मतलब जिस फाइनेंस मॉडुलस को अपने को डिजाइन में जिस जो फाइनेंस मॉडुलस अपने डिजायर है उसके हिसाब से अपन इसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एफ टू हो जाएगा फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो कोर्स एग्रीगेट अपने पास अवेलेबल है उसका फाइनेंस मॉडुलस निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा एफ टू। एफ वन हो जाएगा फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस, जो फाइन एग्रीगेट अपने पास अवेलेबल है उसका फाइनेंस मॉडुलस निकालेंगे वो आ जाएगा एफ वन। ठीक है, और एफ मतलब जिस डिजायर फाइनेंस मॉडुलस के लिए अपने को डिजाइन करना है वो आ जाएगा एफ में। तो ये यहाँ पे जब इनकी वैल्यू रख देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो है फाइन एग्रीगेट की जो है क्वांटिटी आ जाएगी वो कितना रेशियो में या फाइन एग्रीगेट जो है कोर्स एग्रीगेट में मिला जाए। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए और ये डिटेल नोट कर लीजिए, और जब अपन डिजाइन मिक्स करेंगे तो डिजाइन मिक्स में इसकी और डिटेलिंग अपन उसमें इसमें एग्जाम्पल देके भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें इसकी वैल्यू डाल के अपन उसको वर्क कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए आप एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।